नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आपने कढ़ी तो कई प्रकार की बनाई होगी, लेकिन आज मैं लौकी की कढ़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी होती है, तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। बेसन, लहसुन और मिर्ची को बारीक चॉप कर लिया है। नमक स्वाद के अनुसार, एक चुटकी हींग, हल्दी, मेथी, जीरा, लौकी और ये मैंने मठा लिया है। आप इसकी जगह दही भी ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। गैस पे हमने पैन रख दिया है और तेल डाल दिया है और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में और तेल को थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है। इसमें डाल देंगे लहसुन और हरी मिर्च, मेथी दाना और जीरा। हरी मिर्च और लहसुन पक चुकी है तो अब हम इसमें डाल देंगे हींग। इसे भी थोड़ा सा मिला लें इस तरीके से। ये लौकी जो रखी थी उसको हमने छील करके और इस तरीके से कट कर लिया है। गैस को हमने मद्धी कर दिया है और इसे ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। खोल करके हम इसे एक बार चला लेंगे। अब डाल देंगे हल्दी पाउडर, अब डाल देंगे नमक और थोड़ा सा नमक बचा लेंगे, बाद में डालेंगे। इसे चला लेंगे इस तरीके से और थोड़ी देर इसे हम पकने देंगे। हम इसे खोल करके एक बार और चेक करेंगे। ये देखिए लौकी हमारी जब तक पक रही है, जब तक हम बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हम एक बर्तन ले लेंगे, उसमें डाल देंगे बेसन। बेसन को हमने छान करके ही लिया था। थोड़ा थोड़ा मठा डाल करके इसका घोल तैयार करेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ही मठा डालिएगा। इकट्ठा अगर डाल देंगे तो उसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं, अच्छे से घोल तैयार नहीं होता है। और ये देखिए बिल्कुल घोल हमारा बन करके तैयार हो गया है। हम इसे खोल करके चेक करेंगे तो ये जो हमारी लौकी थी पूरी अच्छे तरीके से पक चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे घोल जो हमने बेसन का घोल तैयार किया था। अगर आपका मठा ज़्यादा खट्टा है तो उसमें एक गिलास पानी और ऐड कर सकते हैं आप। देखिए इस तरीके से चला लेंगे और गैस को तेज कर देंगे। अब ये जो हमारा बचा हुआ था नमक उसको भी डाल देंगे इसी में। आधा नमक हमने पहले डाला था और आधा नमक अब डाले हैं। अब इसे हम चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर छोड़ करके हम इसे चले गए तो ये जो हमारी कढ़ी है उफन जाएगी, उफन करके बाहर आ जाएगी। तो आप कढ़ी जब भी बनाएं तो इस तरीके से थोड़ी देर तक चलाते रहिए। हमारी कढ़ी जो है तो थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी और खट्टी लग रही थी। मठा हमारा खट्टा था तो इसमें हमने एक गिलास पानी और ऐड किया है। ये देखिए हमारी कढ़ी अच्छी तरीके से पक चुकी है। इसको पकते हुए 15-20 मिनट हो गए हैं। अब चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारी बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनकर के तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।